Since last 14 years, I have been decoding the mystery of symbols, logos and graphology to unleash the life, business and finances. एक कमर्शियल एंगल है, समझ के लो आप लोग। आपके किट में ना एक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मुनिका जी को हमने कही ये कल यही समझाया कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। पहला प्रोडक्ट कितने में बेचना चाहिए, फर्स्ट प्रोडक्ट व्हाट शुड बी द प्राइसिंग ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, कितने में बेचना चाहिए फर्स्ट प्रोडक्ट, नो प्राइस, फ्री। पहला प्रोडक्ट अपने फ्री में देना चाहिए। हो सकता है आपका हैंडबुक है, हो सकता है आपका नोट्स, मतलब यू नो इसका नुस्खे का बुक है, समथिंग विच यू कैन ऑफर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एनी फ्री एडवाइस मे बी, एनी फ्री नॉलेज मे बी। जैसे उनको बोल दो, जैसे फ्री नॉलेज में क्या, जैसे बता देंगे कि अगर आपका इस तरह का सिग्नेचर है तो ये चीज आपके साथ होता है, फ्री एनालिसिस, हाँ तो ये जो है, या फ्री हैंडराइटिंग एनालिसिस, लेट मी स्पीक थोड़ी देर के लिए बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक। तो ऐसा फर्स्ट प्रोडक्ट आपका फ्री में होना चाहिए। नेवर ट्राई टू सेल इन द फर्स्ट मीटिंग इफ यू हैव टाइम। देखो वेन यू कैन सेल इन द फर्स्ट मीटिंग, उसके रूल्स, अगर आपका आपको उसने एज अ अथॉरिटी ट्रीट किया हुआ, रिमेंबर दिस, इफ द पर्सन इज अथॉरिटी, इफ यू आर एन अथॉरिटी टू द पर्सन, देन यू कैन सेल इन द फर्स्ट मीटिंग। आपके उसने वीडियोज देखे हुए, आपके बारे में बहुत सुना हुआ है, उसने खुद से कॉल किया आपको और बोला है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम है, क्या आप सॉल्व कर सकते। अगर ऐसा सिनारियो है तो यू कैन सेल दैट पर्सन इन द फर्स्ट मीटिंग। अगर आप किसी से मिल रहे हो, आपने टॉपिक निकाला है, आपने बताया कि मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो नेवर ट्राई टू सेल इन द फर्स्ट मीटिंग। यू आर ऑलवेज सपोज टू एजुकेट बिफोर यू सेल। अब एजुकेशन किसके बारे में करोगे आप? अगर मैं एजुकेशन की बात करता तो अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू एजुकेट दैट पर्सन, क्या एजुकेट करो? ऑल ऑफ यू, व्हाट डू थिंक, व्हाट शुड बी द एजुकेशन अबाउट आवर क्वालिफिकेशन। दो चीजों के बारे में एजुकेशन होता है, एक तो आप क्या करते हो उसका फायदा क्या है, ये एजुकेशन हो गया, और आपका खुद का पर्सनैलिटी कैसा है उसका, उसमें क्या फायदा है उसका एजुकेशन होना चाहिए, और आपका खुद का पर्सनैलिटी मतलब आपका बैकग्राउंड। See here you want to sell, right? अगर आपको देखो, there is a rule, people never buy product, people never buy product, they buy you। आप सब लोगों ने ग्राफो न्यूमरो नहीं खरीदा है, आप लोगों ने मुझको और रविंद्र की पर्सनैलिटी को खरीदा है, उनसे इन्फ्लुएंस हुए। आपको फर्क नहीं पड़ रहा था कि नया क्या सिखाएंगे क्या नहीं सिखाएंगे, वहां पे तो हमने क्वेश्चन डाले थे, आपको क्या पता क्या सिखाने वाले, बट यू लाइक्ड अवर पर्सनालिटीज, यू लाइक्ड द वे वी आर स्पीकिंग, यू लाइक्ड अवर हिस्ट्री। आपने कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी देखा कि ये कहां से, कई बार आपने देखा कि 6 महीने से इंसान का एड चमक रहा है, आपने देखा कि इसके 200 स्टूडेंट है, आपने देखा कि इनके बारे में 4 लोग अच्छा बात कर रहे हैं, आर यू गेटिंग इट। तो आपने बाय क्या किया, हमारा पास्ट, हमारी पर्सनालिटी। तो आपने अपने क्लाइंट जिसको आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो उसको क्या बेचना चाहिए, आपका पास्ट, आपका पर्सनालिटी, आपका पर्पस। आपने मेरे को बोलते हो सुना कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने पैसे कमाना चाहिए, ये मेरा पर्पस है, ये मेरे पर्पस को आपको मजा आया कि अरे नहीं ये इंसान सिखाता है पैसे कैसे कमाए, इसी साइंस को यूज करके, आर यू गेटिंग इट। तो ये चीज ने आपने अपने क्लाइंट तक पहुंचाना पड़ेगा कि आप ये कर क्यों रहे हो, मैं आपकी भलाई के लिए कर रही हूं, मेरी ऐसी मंशा है कि जैसे मेरा फायदा हुआ इसको यूज करके वैसे बाकी लोगों का फायदा हो। ये पर्पस आपका क्लाइंट तक पहुंचेगा तो वो क्लाइंट आपको खरीदेगा, फिर आपकी सर्विस को खरीदेगा। और नेवर ट्राई टू इट्स लाइक प्लग द फ्रूट बिफोर इट इज At its peak। फ्रूट जो है वो पकने के पहले मत तोड़ो, पहले ही दिन पे सेल मत करो। अगर आप पहली बार मिल रहे हो, आपने इंट्रोड्यूस किया, आप अप्रोच कर रहे हो, लेकिन इंट्रोड्यूस पक्का करना है, याद रखो आप क्या करते हो वो पक्का बताना, नहीं तो आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा।
और वो बताने का तरीका भी है, ठीक है। देखो कुछ कुछ टिप्स देता हूं मैं, आप चेहरे को देखो, सब अपने अपने चेहरे को देखो, ठीक है। ये बहुत इजी तरीका बताता हूं मैं आपको, ये मैं बहुत जगह पे इस्तेमाल करता हूं। आप सब लोगों को ग्राफोलॉजी पता है पक्का, एवरीबडी इज ग्राफोलॉजी सो राइट। अब अगर ये जो चिन्ह है, ये तीन हिस्से में डिवाइड होता है, अपना जो मुंह है ना तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। ये जो हिस्सा है इसके ऊपर का जो है वो नॉलेज का पार्ट आता है, यहाँ तक जो है वो अपना मिडल जोन की बात आती है, तो यहाँ पे जो इतना चिन्ह की बात अगर करते हैं तो ये एक्शन की बात करते हैं हम लोग, वी टॉक अबाउट एक्शन। तो किसी का भी चेहरा जो है वो अगर बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड है तो उसको बोलने का यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड, आपको एक जगह पर रोक, मतलब यू कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, यू आर ऑलवेज ऑन द मूव, आप बहुत ज्यादा एक्शन लेते हैं, ठीक है। जिसका राउंडिश चेहरा है उसको कंफर्टेबल बोलो कि आप ना यू आर इट्स लाइक यू आर हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन, आप अपने स्पीड से काम करने की इच्छा रखते हो, आप जो है इट्स लाइक यू टेक योर ओन टाइम टू डू द वर्क, जैसे अतुल की बात करते, खुद की स्पीड से काम करने में मजा आता है, he will take his own time, he will understand, he will at his own comfort he will do the thing, am I right or wrong Abdul? 100% sir. Perfect. अगर वही हम मधुसूदन की बात करते, मधुसूदन है ना, हाँ मधुसूदन की बात करते तो मधुसूदन is an action oriented person. I highly doubt कि he used to be a sports player, कोई ना कोई sports उसने खेला रहेगा, maybe football, maybe hockey. Something which is related to the legs. Am I right or wrong, Madhusan? Can you speak? Yeah, it was a national level show jumping, horse riding. Something related to the feet, action. Yeah. See, इसके face पे दिखता है. तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी what I'm doing, you know, what I'm trying to teach. I am creating a magic moment. ये moment से ना आपको opening मिलता है. अरे कैसे पता चला? आप बोलते हैं, अरे एक बात बताओ आपके बारे में. बोलते क्या? देखो आप है ना ऐसे ऐसे. Now this things gives me the opening wherein I can introduce myself as a graphologist. Then I analyze their mobile number, then I analyze their logo, and then I analyze their signature. And believe me, what I have to do, you know, I tell only and only do अच्छे point बोल देता हूँ और 10 point कैसे रहते हैं? Coffin जो रहता है ना negative, जो उनके handwriting में या logo में यहाँ पे और जो उनको तकलीफ दे रहे इतने सालों से, to the point. Are you getting what I'm trying to do? Now that person cannot sleep without thinking about me for rest of his life. So this is how I do a first meeting. Then I send him videos. I send him testimonials. I'm not at hurry. मैं तब तक सेल नहीं करूंगा जब तक सामने से फोन नहीं आएगा, अरे कुछ करना है यार, मतलब मेरे लाइफ में जो तुमने बोला था ना वो चैलेंजेस अभी भी बाकी है, what can we do about it? Okay, now you are an authority, now you can ask him to come to your office and then you can make a sale. Introduction, education, education, education and then closing for in the meeting, especially un logo ke liye jo aapke aaju baaju mein rehte hai, businessman hai jiska aapki pehchan ho rahi hai, aur agar kisi ne directly phone kiya to you are an authority already in his eyes. Usko poocho kya aapne mere bare mein suna hai, padha hai, dekha hai. अगर उसका आंसर रहता है ना, तो आपका काम है कि आपके पेपर कटिंग्स हो सकते हैं, आपके वीडियोस हो सकते हैं, आपके टेस्टिमोनियल हो सकते हैं, वो सब आप उसको भेजो ताकि वो आप उसको समझे कि वो किसके साथ डील कर रहा है. एंड देन उसको बोलो कि आओ अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? अनलेस एंड अंटिल यू आर एन अथॉरिटी इन हिज आईज, ही विल नॉट गिव यू गुड मनी एंड ही विल नॉट बाय फ्रॉम यू.